आधे से अधिक हिस्से को भीषण ठंड और घने कोहरे से राहत नहीं मिली है। राजस्थान में आज से बर्फीली हवाओं का छिटवाने वाला दौर होने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से दो दिन तक 20 से ज्यादा जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मणिपुर से 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में कल इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। न्यूनतम तापमान गिरकर 5.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। यह इस साल जनवरी में सुबह का सबसे कम तापमान है। इससे पहले दिसंबर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे तक गया था और उसके बाद से बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई थी। एक दिन पहले तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा और सोमवार को सुबह कोहरा छाया रहा। दिन भर बादल छाए, धूप नहीं निकलने के कारण दिन भर ठिठुरन बनी रही। वहीं शाम होते ही ठंडक बढ़ गई। मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के मुताबिक मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा भी और दिन के शाम के समय बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 17 डिग्री व न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद मौसम साफ हो सकता है। अनुमान है कि दिल्ली के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़त हो सकती है। दिल्ली में 14 जनवरी तक सुबह के समय हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। हालांकि अधिकतम तापमान बढ़कर 19 डिग्री तक और न्यूनतम तापमान 11 जनवरी तक बढ़कर 8 डिग्री तक पहुंच सकता है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होने का अनुमान है। संभावना है कि 14 जनवरी तक इसमें 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश में जहां आज से दो दिन तक पश्चिमी विक्षोभ का असर अधिक प्रभावी होने से ज्यादातर जिलों में बरसात के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं। इधर कल सुबह से ही सर्दी के तेवर तीखे रहे, तो वहीं कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरतपुर का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री, अलवर का 3 डिग्री, सीकर का 5, फतेहपुर का 3.5, भीलवाड़ा का 9.4 डिग्री, उदयपुर का 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं इधर प्रतापगढ़ में शीतलहर जारी रहने से बच्चों के अवकाश में 13 जनवरी तक बढ़ाया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश, ओलावृष्टि और शीत दिन का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम तंत्र में बदलाव से हवाई और रेल सेवाएं भी प्रभावित रहे। उदयपुर एयरपोर्ट पर कम दृश्यता होने से हवाई सेवाएं भी प्रभावित रही हैं। तो राजस्थान में अभी दो दिन बारिश और ओले की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, यानी मौसम विभाग का अलर्ट कि बर्फीली हवाओं का दौर भी जारी रहेगा, सर्दी का असर भी अभी लगातार बढ़ेगा।